हेलो दोस्तों, सबको नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो आज हम खेलेंगे छू छू चार्ल्स। ये एक ट्रेन हॉरर गेम प्ले है जो एक्चुअली बहुत हॉरर है। इसके व्यूज एंड सारे मैंने देखे हैं तो डर तो लगता है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं आगे वीडियो में क्या होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। लेट्स गो। ओके, तो ये कोई बीच से स्टार्टिंग हुई है गेम की और यहाँ कोई बात कर रहा है। चलो सुनते हैं क्या बात हो रही है। ओ अच्छा, यहाँ मुझसे ही बात हो रही है। ओके ओके अच्छा। And even my own son is still out there. दोस्त और बेटे को शायद उस आइलैंड पे ट्रैप कर रखा है। अच्छा, और मुझे बुलाया जा रहा है वहाँ पे हेल्प करने के लिए। यस आई एम रेडी, लेट्स सी। ओके, तो आई गेस हम उस आइलैंड पे पहुंच चुके हैं और यही अंकल ने हमें वहां से फोन पे सब कुछ बताया था। लेट्स सी ये क्या बोल रहे हैं। We've been planning his demise for some time now and have nearly everything in order. Okay. Just a few people to meet and places to see. Simple errands, you know. Okay. Yes, sir. Welcome to Arinidium. The island where miners dig their own graves. Dig their own graves? एक मिनट अंकल, मतलब मुझे समझ में नहीं आया क्या बोला आपने। हेलो, हाँ जी। There's a train shed at the top of the hill. Okay. One of the train operators was killed early on by the beast, so his old engine should be in there. अच्छा, तो ये मुझे बता रहे हैं कोई पुराना ट्रेन ऑपरेटर्स को मार दिया गया है और उसी ट्रेन को ऑपरेट करने के लिए इन्होंने मुझे बुलाया है। खुद को ओल्ड फ्रेंड बोलते हैं ये और मुझे बुलाया है जबकि एक पुराना ऑपरेटर मर चुका है। ठीक है भाई। If we can get to it, it could be an indispensable tool on our journey. Stay close. We don't want to be exposed for too long. Okay. अरे अंकल कहाँ गए हो? अंकल रुको। अरे रुको, कहाँ भाग रहे हो? अरे ये तो भागते जा रहे हैं। चलो इनके पीछे पीछे चलते हैं। आई गेस ये हमें उसी जो ओल्ड इंजन की बात हुई ना यहाँ पे, ये हमें वहीं पे लेके जाने वाले हैं। बट ये दिखे तब तो, ये तो भाग गए। अच्छा वो था मिल गया। हाँ चलो चलते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी ट्रैक्स है। आई गेस ट्रेन यहीं पर है, इसी रूम पर। बट ये तो खुल ही नहीं रहा है। हेलो अंकल, ये खुल क्यों नहीं रहा? अच्छा ओके। Not to worry, we can still find a way in. ओके। There's a small shack up the path that might have a key inside. ओके। Take this map. I just marked the location on it. ये अंकल ने कोई मैप दिया है। See if the key is up there and I'll look around some more down here. ओके, तो इन्होंने कोई मैप दिया है जिस पे इन्होंने मार्क कर दिया है। अच्छा ये देखो, ये रही। हमें यहाँ से यहाँ जाना है और यहाँ में भी हमें इस रूम का की मिलेगी। ओके सो लेट्स गो। चले। हेलो, आप नहीं चलोगे क्या अंकल? अकेले लेके जाओगे? यार एक तो ये डरावना सा आइलैंड और इन्होंने अकेले मेरे को छोड़ दिया यहाँ पे, तो गलत बात है। बट कोई नहीं, सामने ही है। यहाँ चार्ल्स नहीं आएगा आई गेस। नहीं आए। हाँ हाँ खुल गया। हाँ अच्छा अभी। ओ ये रहा। ओके आई हैव टेकन द की। भी ये हमें आई दबा और ये हमारे इन्वेंट्री में आ चुकी है। तो वापस हम चलते हैं अंकल के पास। मैं आ रहा हूँ, जल्दी चलो। गुड ऑन यू, लुक्स लाइक यू फाउंड इट। ओपन अप दैट डोर एंड लीड द वे। ओके, तो हमें ये गेट खोलना है। अब ये खुल जाएगी क्योंकि चाबी हमारे पास है। अरे अंकल रुक जाओ, इतने जल्दी में क्यों हो?
तो ये है वो ट्रेन, एपिक ट्रेन, यूज इट टू क्विकली नेविगेट द आइलैंड, अ वेपन एंड शील्ड अगेंस्ट योर फोज, यूज रिस्पॉन पॉइंट इफ थिंग गोज रॉन्ग, इंटरैक्ट विथ आइटम शुड कैब लर्न अबाउट यूजिंग देम। ठीक है, समझ गया। और क्या है यहाँ पे? यहाँ पे एक बंदूक, आई गेस इसी से हम चार्ल्स को मारने वाले हैं। गनिंग प्लेटफॉर्म, लुक टू एम, यूज एक्शन। अरे ये बचपन से पता है यार, ये बताना नहीं होता, ये हमें बचपन से पता होता है। ओके, अच्छा अंकल आप आ गए। ये क्या है? ट्रेन हेल्थ स्पीड लेवल। ओके, तो हमें, मुझे लगता है हमें ये बार बार अपग्रेड करना पड़ेगा ताकि हमारा अच्छे से ये रन करे, है ना। सो ओके अंकल, क्या करना है? Well, the exterior is a little rough, but everything looks to be intact. That gun you were looking at wasn't on here when I was evacuated from the island, but it sure looks fun to use. Okay. We can light up Charles with it and take him down before he even sees us coming. तो ये पूरी प्लानिंग बैठा के समझा रहे हैं मुझे कि कैसे हम चार्ल्स को मारेंगे, वो हमें, उसे पता भी नहीं चलेगा कि हम आ रहे हैं। बट अंकल चार्ल्स मुझे इतना बेवकूफ लगता नहीं है। Are you ready to take this thing for a spin? Yes, और कोई ऑप्शन कहाँ है? सेंटर लेवल मूव्स द ट्रेन फॉरवर्ड, लेफ्ट लेवल मूव्स द ट्रेन बैकवर्ड, राइट लेवल स्टॉप्स द ट्रेन, लिविंग द ट्रेन वाइल इट्स मूविंग ऑटोमेटिकली स्टॉप्स इट। ओके, हम समझ गए। तो ये देखो गाइस, इससे ट्रेन आगे की ओर बढ़ेगी, इससे आई गेस रुकेगी और इससे पीछे की ओर चलेगी, है ना। ठीक है, तो अंकल हमें निकालना कहाँ से, क्योंकि ये तो बंद है, तो बंद है। चलो, जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इनको कुछ बोलना है क्या? कुछ बोलोगे? नहीं। ठीक है, तो हम ट्रेन को आगे लेके जाते हैं। ओके, यस, ये तोड़ के ही निकलना था, मैं कुछ गलत नहीं सोच रहा था, ये तोड़ के ही निकलना था। एक मिनट, ये आवाज़, चार्ल्स, 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 हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, अंकल, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, ये ले ले, मुंह पे, मुंह पे, मुंह पे मार। ये क्या हुआ, गोली क्यों नहीं चल रही? ये क्या हुआ गाइस? यूजीन अंकल, और ये कहाँ गया? ट्रेन क्यों रुक गई? एक मिनट, हमें क्या करना चाहिए? यहाँ हमें उतर के जाना चाहिए या उतर के जाऊँ या नहीं गाइस? क्योंकि अगर हम ट्रेन पे रहे तो फिर भी भाग सकते हैं, अगर पैदल रहे, बट हमें जाना चाहिए उनके पास, तो जाना चाहिए। चलो चलते हैं, लेट्स सी, वो अगर आसपास ना ही हो। अंकल, दिस इज हाउ थिंग्स वर सपोज्ड टू एंड। ओके, तो ये बोल रहे हैं, इन्होंने ऐसा नहीं सोचा था कि इतना जल्दी ये ख़त्म हो जाएगा, बट अनफॉर्चुनेट थिंग्स हैपन, आई डोंट हैव टाइम टू एक्सप्लेन। फाइंड द एग्स, फाइंड माय सन। ओके, तो यहाँ तो यूजीन अंकल नहीं रहे, और ये बारिश, ये मौसम, कोई नहीं, मैं ऐसे ही आगे बढ़ना पड़ेगा। और आई गेस हमें भी जाना कहाँ है, मैं आप देखता हूँ। आई गेस हमें इन लोगों के पास जाना है, ये हमें आगे क्या करना है ये बताते रहेंगे, और ये कोई मिशन से। ओके, लेट्स गो, लेट्स गो। और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, यहाँ पे हम इसे मार कर देते हैं और अब चलते हैं आगे की तरफ। बढ़ तो रहे हैं हम, बस इधर कहीं चार्ल्स ना आ जाए। मैं ना इधर उधर देखते रहूँगा ताकि कहीं पे चार्ल्स ना आए, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। हमारे पास सिर्फ इस ट्रेन में एक गन है और हमें वो मिशंस कंप्लीट करना है, तो मे बी हमें आगे और कुछ पता चले। फिलहाल तो अभी अगर चार्ल्स आया तो हमारी ट्रेन की हेल्थ है, बट स्पीड लेवल, डैमेज लेवल, आर्मरी कुछ भी नहीं है, तो
सबसे पहले तो हमें ये अपग्रेड करना पड़ेगा। ये क्या आवाज़ आ रही है, ये किस चीज़ की, रेल स्विचिंग। एक मिनट भाई रुक जा, पढ़ लेने दे। नहीं नहीं स्टॉप का स्विच ये है। हाँ साइंस इंडिकेट अपकमिंग ट्रैक स्प्लिट्स, द लाइट एट द स्प्लिट इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ द ट्रैक्स, स्टॉप योर ट्रेन एंड इंटरैक्ट विद द लीवर ऑन द ग्राउंड टू चेंज द डायरेक्शन। ओके तो हमें अगर अपना डायरेक्शन चेंज करना है ना, तो हमें उतर के वहाँ पे लीवर से चेंज करना। एक मिनट, ये जब भी बिजली कड़कती है ना तो पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि हमारा कोई पीछा कर रहा है या कोई हमें नज़र रख रहा है, क्योंकि यूजीन अंकल के डेथ के बाद तो भाई डर लगने लगा है। बट हम चलते हैं आगे क्योंकि हमें लीवर भी देखना है। हमें जाना है लेफ़्ट साइड और लीवर भी लेफ्ट ही पे सेट है। हाँ तो हमें अभी चेंज नहीं करना, अभी हम अपने रास्ते पे बिल्कुल करेक्ट है। भाई मैं बहुत बार ट्रेन में बैठा हूँ, ट्रेन में बैठ के जर्नी भी किया है, बट ये जर्नी चलाने वाली जर्नी फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, वो भी हॉरर जर्नी। तो भाई मज़ा भी आ रहा है, डर भी लग रहा है, आगे पता नहीं क्या होगा। लेट्स सी, आई गेस हम वहाँ पहुँच चुके हैं। हाँ यहाँ कोई अंकल बैठे हुए हैं, मे बी यही हमें कुछ हेल्प करेंगे। हेलो अंकल। You must be the archivist that Eugene told us about. We're happy you came to help us out of this predicament with Charles, Madman Warren. Yes. You know, that old train of yours will need some major upgrades if you want to take down Charles. Okay. There are some metal scraps in my bar that you could use. Okay, तो वहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया था ना scraps, तो ये अंकल हमें वही बता रहे हैं कि ट्रेन को अपग्रेड करने के लिए हमें बहुत सारे scraps की ज़रूरत पड़ेगी, और ये अंकल हमें वो दे दे सकते हैं। ओके दे दिया। ओके तो यहाँ पे अंकल ने हमें एक चाबी दी है, और हमें कहा है, मैंने तुम्हारे मैप पे मार्क कर दिया है जहाँ हमें वो मेटल स्क्रैप्स मिल सकते हैं। ओके तो ये देखो गाइज, यहाँ पे हमें मिलेंगे मेटल स्क्रैप्स जिससे हम अपने ट्रेन को अपग्रेड करेंगे। 95 meters है। ट्रेन से चले या पैदल चले? ट्रेन से ही चलते हैं, क्योंकि अगर बीच में चार्ल्स आ गया ना तो फिर एटलीस्ट बचाने के लिए हमारे पास गन तो होगी। पैदल में तो कुछ भी नहीं मिलेगा गाइस, पैदल। और हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे डिस्टेंस जैसे ही कम हो। नहीं नहीं ये रहा, ट्रेन को रोको, अब यहाँ से हम चलते हैं पैदल। यहाँ हमें मिलेंगे कुछ मेटल स्क्रैप्स जिनसे हम अपने ट्रेन को अपग्रेड करेंगे। यही है, हाँ मार्क तो यहीं पे है एग्जैक्टली। और ये देखो खुल गई। अच्छा ये है वो मेटल स्क्रैप्स, हमें यहाँ से 9 मिलेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5 और कहाँ है 5, आई गेस ऊपर यहाँ है क्या, कहाँ पे? अच्छा ऊपर, मे बी ऊपर और 4 मिले हमें। हाँ ये रहे 6, 7, 8। एक और, एक और कहाँ है? 8 स्क्रैप्स हमें मिल चुके हैं दोस्तों। एक और बस ये रहे, 9 मिल गए। मिशन कंप्लीटेड। नाउ दैट यू हैव सम रिसोर्सेज यू कैन गो बैक टू योर ट्रेन एंड मेक सम अपग्रेड्स। Interact with the blueprints in the cab to open upgrades menu. Okay, तो हमें ट्रेन पे जाना है और अपग्रेड करना है, तो हम चलते हैं वापस अपने ट्रेन के पास। हम अपने मैप पे ट्रेन को मार्क कर देते हैं, और अब हम चलते हैं अपने ट्रेन की तरफ। कहाँ है? उधर है हमारी ट्रेन। जंपिंग जपांग जंपक जंपक न कूदते कूदते जाएंगे। जंपिंग जपांग जंपक जंपक थम्पिंग थपांग थम्पक थम्पक। ये देखो, और ये हम कूदते कूदते अपने ट्रेन के पास पहुंच गए और चढ़ भी गए हैं। ये देखो हमें मिला 9 स्क्रैप्स, इससे हम अपनी स्पीड सुधार सकते हैं, डैमेज सुधार सकते हैं, आर्मरी सुधार सकते हैं। और हमारे स्क्रैप्स हो गए फिर से 0। अब हमें कहाँ जाना है? लेट्स सी, अब हमें जाना है, एक मिशन यहाँ पे है और बहुत सारे मिशन्स इधर है, तो ये कंप्लीट कर ले क्या?
ये कंप्लीट करते हैं, फिर हम गाड़ी को मोड़ के उधर चलेंगे, है ना। सो लेट्स गो। अरे भाई पीछे नहीं, आगे जाना है। 218 मीटर था यहाँ से, तो हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। तो जब से सबसे मिनिमम होगी वहाँ पे मैं ट्रेन रोक के फिर वहाँ से पैदल चलेंगे, क्योंकि आई डोंट थिंक सो रेल की ट्रैक्स वहाँ तक पहुँचेंगी, क्योंकि वो जगह मुझे बीच में लग रही है। और वेदर देखो गाइस, ओ बॉय। एक मिनट रुको, ट्रेन रोको। यस 66 मीटर्स। वेदर देखो गाइस, चेक आउट द वेदर। ऐसे जगह पे अगर किसी को छोड़ दिया जाए ना तो वो ऐसे ही डर जाए, बट हम नहीं डरेंगे। हम एक एक जन से मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे और पता करेंगे हम आगे चाल से कैसे लड़ सकते हैं। ओके हाय आंटी, पिकल्स। इनको अचार की पड़ी है, पिकल्स। एक तो आंटी आप ऐसे डरा के बोलो मत, ऐसे ही वेदर बहुत डरा हुआ है, और आप ऐसे डरावने आवाज में बोलोगी ना तो भाग जाऊंगा यहाँ से, बच्चा ही हूँ। और ये क्या है, आई एट द लास्ट जार ऑफ पिकल्स। यहाँ पूरा आइलैंड खौफ में है, परेशान है, क्या करना है, कैसे करना है, और आपको अचार खाना है, सीरियसली। माई पिकल केव गॉर्डन सगो बट आई लॉस्ट माई पिकल की। अच्छा जी, ये भी अच्छा है। मुझे तो यही चार्ल्स की मम्मा लग रही है जैसी ये बात कर रही है। अच्छा ठीक है, इसको इसका पिकल दे देते हैं और उसके बदले वो मेरे को स्क्रैप मेटल देगी, तो उससे अपना ट्रेन को अपग्रेड करेंगे। खाओ आप पिकल, कहाँ पे बताओ। अच्छा मैप में इसने मार्क कर दिया, मैप बोलते हैं। भाई ये कुछ ज़्यादा ही दूर नहीं है, इसका पिकल, द पिकल मिसिंग। भाई ये जगह मुझे थोड़ी सी खतरनाक सी लग रही है। आंटी कुछ ट्रैप व्रैप में तो नहीं फंसा रही हो ना आप मुझे? मुझे भरोसा नहीं लग रहा, एक तो आप मुझे अचार्ल्स की अम्मा लग रही हो, बट मेटल स्क्रैप्स की वजह से करना पड़ेगा, रिस्क तो लेना पड़ेगा। बस अभी चार्ल्स ना आ जाए कहीं से भी, वेदर देख के तो यही लग रहा है कि वो कभी भी आ सकता है। ऑल्दो ये वेदर है बहुत रोमांटिक, हॉरर रोमांटिक एक्चुअली, और रोमांस के नाम पे यहाँ पे चार्ल्स का शक्ल सामने आ रहा है। इमेजिन करो चार्ल्स के साथ रोमांस करना। पहले ना हम इधर से देख लेते हैं, कोई खतरा तो नहीं है। नहीं, ये एक सुनसान सी जगह लग रही है और यहाँ रेल के ट्रैक्स भी नहीं है, तो चार्ल्स तो यहाँ आएगा नहीं। तो हम यहाँ मुझे हाँ स्क्रैप्स दिखे, तो हम ऐसे ही अगल बगल देखते हुए चलेंगे। स्क्रैप्स अगर हमें रास्ते में दिखे तो हम उठा लेंगे, क्योंकि इस गेम में सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें स्क्रैप्स की ही पड़ने वाली है। ये ठीक है, 59 मीटर्स यहाँ से। और कहीं स्क्रैप दिखा क्या? नहीं, स्क्रैप नहीं है, वो ऐसे ही चमक रहा है, मुझे लगा स्क्रैप्स है। ये कौन सी जगह है भाई? हाँ ये रही एक स्क्रैप यहाँ, अरे मैं इन्हें उठा नहीं। हाँ ठीक है, कहाँ गया वो? ये देख रहे हो, ये कौन सी जगह है यार? मुझे ये सेफ तो बिल्कुल नहीं लग रहा, पता है। यहाँ ये क्या था, ये क्या है? कलर जो भी मिले उठा लेता हूँ, बाद में देखूँगा कि उसका काम क्या है। लेट्स गो। ये तो कोई केव सी लग रही है मुझे, यहाँ पर स्क्रैप्स पड़े हुए हैं और यहाँ भी एक स्क्रैप है जो हम ले लेंगे। यहाँ एक नोट है, पिकल्स। वाह भाई क्या था, पिकल्स। वेरी गुड, जैसी आंटी वैसी आंटी की पहेली। हेलो ये क्या है, ये क्या है, ये खुल क्यों नहीं रहा, ये क्या है?
ये खुल क्यों नहीं रहा? आंटी ने तो हमें कोई चाबी देने वाली थी ना आंटी। वैसे क्या तोड़ना पड़ेगा? फिर से देखता हूँ इससे कुछ होने वाला होगा क्या, क्योंकि ये खुल तो नहीं रहा है। यहाँ पे कुछ पिकल्स पिकल्स पिक 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 पिकल्स, ठीक है ये तो मैं समझ गया, बट ये खुल क्यों नहीं रहा? आई गेस आंटी ने हमें चाबी नहीं दी है ना। वापस से हमें आंटी के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि आसपास में चाबी का कोई रास्ता मुझे दिख नहीं रहा। कुछ है क्या? नहीं, आसपास में मुझे कोई चाबी का रास्ता दिख नहीं रहा है। तो हम वापस चलते हैं आंटी के पास। यहाँ मेरा ट्रेन है, ये था लेडी पिकल्स मशीन। चलो चलते हैं जल्दी से और आंटी से पूछते हैं ये क्या आधा काम करती हो आप। यहाँ से हम चढ़, जी हाँ हम जंपिंग जपांग करके पहाड़ चढ़ सकते हैं। एक मिनट, ये कौन किसकी आवाज़ है पता? कंटिन्यूसली ऐसा लगता है ना कि कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है। चार्ल्स का कोई कबूतर या कोई चील या उड़ता हुआ चार्ल्स खुद ही मुझ पे नज़र रख रहा है, मुझे ऐसा लगता है इस गेम को खेलते हुए। और ये आवाज़ तो मतलब क्या ही बोलूँ। हम और राइट, हम फिर से आंटी के पास पहुँच गए। आंटी से जाके पूछते हैं ये क्या था, आपने मुझे आधा अधूरा काम क्यों दिया? हेलो, आपने तो कुछ बताया नहीं आंटी। अच्छा ये खुला, ये क्या है? पिकल्स आर दी लव, पिकल्स आर दी लाइफ, आई लव द पिकल्स, दे मेक मी फील हैप्पीनेस, पिकल्स पिकल्स पिकल्स। आंटी का पूरा ज़िंदगी लगता है पिकल्स में बसा हुआ है। स्क्रैप, यहाँ भी कोई चाबी तो मुझे दिख नहीं रहा है। स्क्रैप, ये तो वही पिकल्स पिकल्स है। एक मिनट, यहाँ पे एक डोर है बट ये भी नहीं खुल पाया। हेलो आंटी, कोई चाबी मिलेगा आपसे? ये तो खड़ी हैं चुपचाप, ये कुछ बताने वाली मेरे को दिख नहीं रही है। मैप में देखता हूँ एक बार, शायद वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। गेट द पिकल्स फ्रॉम द पिकल केव, बट हाउ? दैट इज़ माई क्वेश्चन, हाउ विल आई? कैसे? यही तो मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि वो तो खुल नहीं रहा। आई गेस उसके अंदर पिकल है और वो खुल नहीं रहा। लास्ट टाइम आते हैं, अगर मिला तो ठीक है, खुला तो ठीक है, नहीं तो ये पिकल्स मिशन छोड़ के हम आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमें जल्दी से अपना काम ख़त्म करके अपने घर जाना है इस हॉरर आइलैंड को छोड़ के, क्योंकि यहाँ से मुझे बहुत नेगेटिव वाइब्स आ रही है। और हम पहुँचने वाले हैं फिर से पिकल्स केव के पास। इस बार ना पूरा ध्यान रख, एक और स्क्रैप मिल गया। इस बार हम पूरा ध्यान रख के जाएंगे कि हमें कुछ छूट ना जाए या हमारे आंखों से कुछ बच के निकल ना जाए। एनीथिंग हियर? नहीं, ये यहाँ पे कुछ नहीं, ये नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। आंटी ने तो हमें कोई चाबी दिया नहीं। ये क्या है यार? आगे चल के देखें क्या एक बार, अगर हमें आसपास में कुछ मिल जाए। नहीं, ये भी नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है। आई गेस ये पिकल्स वाला मिशन ना मैं स्टार्ट ही नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ तो मिला नहीं, आसपास में भी कुछ नहीं है। हमें यहाँ पे स्क्रैप्स मिल रहे हैं, 5-6 स्क्रैप्स हमें मिल चुके हैं। हम चाहे तो उस मिशन को छोड़ के जा सकते हैं ना। मुझे यही लग रहा है कि ये मिशन छोड़ के निकलना ही सही होगा, क्योंकि ये जगह भी मुझे ये कोई ट्रैप लग रहा है कोई मिशन से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ कुछ है नहीं, ना ही चाबी है। वहाँ एक ट्रेजरी है जो कि खुलने का नाम नहीं ले रही। तो मैं तो आंटी के पास दोबारा गया बट उन्होंने चाबी भी नहीं दी मुझे, और मेरे इन्वेंट्री में भी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। स्क्रैप्स छोड़ के और कुछ है नहीं यहाँ पे। कूद के देखो क्या, हेलो हेलो एनीथिंग देयर? हेलो,
pick pickles. How will I pick the pickles? छोड़ो गाइस, हम अपने ट्रेन के पास चलते हैं क्योंकि यहाँ हमें कुछ दिख नहीं रहा, तो बेकार में यहाँ टाइम वेस्ट करके फ़ायदा नहीं है। हम अपने ट्रेन के पास चलते हैं और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। हमारा ट्रेन किधर है? अच्छा, हमारा ट्रेन उस साइड है, तो हम उस साइड चलते हैं और जल्दी से अपना ट्रेन से निकलते हैं शायद यहाँ से, क्योंकि ये पिक पिक पिकल वाला मिशन मेरे को कुछ सही नहीं लग रहा। आंटी ने कुछ बताया नहीं, कुछ मिला नहीं, लोकेशन मार्क कर दिया पिकल केव, बट वहाँ कुछ था ही नहीं। और ये हमारा खून भी थोड़ा सा कम हो गया, और कम हो गया। आंटी को बता देते हैं कि आपका पिकल हमें मिला नहीं, माफ़ करना, और फिर यहाँ से निकलते हैं। हमें 10 स्क्रैप तो मिल ही गए ऑलरेडी, ये अच्छा है। ये जंपिंग जपांग जंपक करके हम पहुँच, एक मिनट यहाँ कुछ है क्या? वहाँ हमारा ट्रेन है, यहाँ आंटी है। यहाँ आंटी को बोल देते हैं कि आंटी हम यहाँ हमें स्क्रैप मिल गया, और आगे पीछे देख लेते हैं अगर स्क्रैप मिल जाए तो हमें एक और स्क्रैप मिल गया, और कहीं स्क्रैप नहीं है। हेलो आंटी, देखो हमें मिला तो नहीं, आपका ये खुला भी नहीं और आपने कोई चाबी भी नहीं दी थी हमें, और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मतलब चाबी खोज से फिर, बट अंदर कहीं स्क्रैप अगर आपके पास होगा तो मैं ले लेता हूँ। तो हम यहाँ, सॉरी ये भी नहीं खुल रहा, एक मिनट, ये गेट इधर से नहीं खुल रहा, मतलब कहीं उधर से रास्ता नहीं, यहाँ तो कोई रास्ता नहीं है, ना ही गेट है। चलो कोई ना, हम अपने ट्रेन के पास चलते हैं और विदिवर्स अपने मिशन कंप्लीट करते हैं। हमें, मुझे कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है यहाँ पे कुछ, सही बताओ तो। स्क्रैप्स मिलने थे, स्क्रैप्स हमने 10 वहाँ से ले ही लिए, ऑलरेडी हमने ले लिया। तो हम एक मिनट अपना मैप खोलते हैं, मैप खोल के हमें जाना है यहाँ पे। तो मैं ऐसे घूम के आऊँ या रिवर्स में जाऊँ? रिवर्स में चलता है। ये रहा, मार्क हमने कर दिया अपना लोकेशन और हम जा रहे हैं रिवर्स में। और इधर मैं गन ले, एक मिनट, हमारे पास यहाँ पे आ गई है अपनी। ओके, तो ये ट्रेन को पेंट करने के लिए था। ओके, मैं ये लेके यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ, अगर चार्ल्स गलती से आ गया तो उसके मुंह पे गोली मारेंगे। आजा बेटा, आजा आजा, ये दे तब, बट गन बंद क्यों हो गई थी? देखते हैं, ये देखो अभी ये बंद नहीं हो रही, बट चार्ल्स के सामने बंद हो जाती है। ओके, तो ये गन गर्म हो जाती है एंड देन बंद हो जाती है, फिर इसे टाइम लगता है अपने आप को ठंडा करने में, बट कितने देर में तो चार्ल्स हमें। ओके, यहाँ क्या है? अच्छा, यहाँ वो अंकल बैठे हुए, बाय बाय अंकल, थैंक यू फॉर द स्क्रैप्स। आई गेस हम अपने ट्रैक में पहुँचने वाले हैं, जैसे ही हम वहाँ पहुँचेंगे अपने ट्रेन को रोक के अपने रेल को चेंज कर लेंगे, इससे हम अपने मिशन्स पे पहुँच सकते हैं। वो वाली जगह आने वाली होगी। आ गई, यस, रुक जा, अगल बगल भाई उतर जा, संभाल के उतरना पड़ेगा यहाँ से। हाँ, ये रहा रास्ता, और हम दौड़ के चलते हैं अपने रेल ट्रैक को चेंज करने की तरफ। ये क्या होता है? अच्छा, रेल लाइट्स लगी हुई है, मुझे लगा यहाँ भी तो कुछ नहीं है। अगल बगल हम देख लेते हैं अगर स्क्रैप मिल जाए तो, कुछ है क्या? नहीं यार, यहाँ कुछ भी नहीं है, बहुत कंजूस जगह है ये। लेट्स गो, रेल हमने चेंज कर दी है, अब हमारी ट्रेन बिल्कुल, और देख रहे हो क्या सेक्सी लग रही है, येलो से ना ये पर्पल बहुत अच्छी लग रही है ट्रेन पे। शायद चार्ल्स हमें पहचान भी ना पाए क्योंकि लास्ट टाइम उसने येलो देखा था ना, बट मुझे लगता नहीं चार्ल्स इतना बेवकूफ़ है कि वो हमें पहचान नहीं पाएगा सिर्फ कलर चेंज हो जाने से।
ओके, तो हम फिर से नए ट्रैक पे निकल चुके हैं। 375 मीटर्स पे हमारा लोकेशन है जहाँ हमें जाना है मिशन के लिए, और वेदर कतई सेक्सी हो रखा है। सेक्सी, ओ नो प्लीज़ मत आना, मत आना, प्लीज़ मत आना, प्लीज़ मत आना। बट अंदर चलते हैं हम। नहीं, भाग यहाँ से, भाग, मुंह पे मारूंगा मैं तेरे भाई, भाग यहाँ से, भाग 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 जाए यहाँ से, भाग जा। अरे बस बस, किसी का फ़ायदा उठाएगा ये, किसी का। ओ नो, ट्रेन का हेल्थ मेरा बहुत ज़्यादा खराब है, और हम जा रहे हैं अपने ट्रेन को अपग्रेड करने के लिए। जल्दी से अपग्रेड, सारा स्क्रैप हमने डाल दिया, और ये जाने का नाम नहीं ले रहा। भाग यहाँ से, भाग जा, इस पर मारूंगा मैं तेरे भाई, यहाँ से भाग, भाग 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 भाग। ओके, तो इस बार हमने इसे भगा दिया है, तो हमें हमारे ट्रेन को बहुत कुछ झेलना पड़ा है। देख रहे हो, पूरा ख़त्म करने के बाद भी इसने ये हाल किया है हमारे ट्रेन का। कितने मुश्किल से स्क्रैप्स मिलते थे यार, कितने मुश्किल से स्क्रैप्स मिले थे हमें, और इसने सब लूट लिए। माइक मतलब हमें देने पड़े, वरना ये हमारे ट्रेन को पटरी से उतार देता। चार्ल्स, और हम अपने मिशन से भी दूर आ गए आई गेस। यहाँ पे था मिशन, हम यहाँ पहुँच चुके हैं। ये पहले कर ले क्या? नहीं नहीं, हम वापस जाते हैं, पहले से सारा मिशन कंप्लीट करते हुए आएंगे, क्योंकि मुझे लगता है ये सारे कुछ ना कुछ कनेक्टेड होंगे, और अगर हमने कुछ भी मिस किया तो जैसे हमें वहाँ पे की नहीं मिला था वैसे हो सकता है, उससे ज़्यादा अच्छा है। और मैं यहीं पे, हमारे पास स्क्रैप 7 है, हम इसको पूरे ट्रेन पे हेल्थ को अपग्रेड कर देते हैं। एक मिनट गाड़ी रोको, यहाँ पे हमें स्क्रैप्स मिल सकता है। मैं यहाँ पे वापस आना ही है, बट मैं स्क्रैप्स ले लेता हूँ, क्योंकि बिना स्क्रैप्स के ना चाल से लड़ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल है चाल से लड़ना विदाउट स्क्रैप्स। ओके, तो हमने स्क्रैप्स तो ले लिए, अब हम चलते हैं वापस अपने ट्रेन पे और मिशन पूरे करते हैं। क्या क्या समय वेपन्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, बिना वेपन्स के होने नहीं वाला। ये गन जितना जल्दी ओवरहीट होता है ना, ये कुछ कर नहीं पाएगा। और हम बस पहुंचने वाले हैं अपने मिशन्स के तरफ। हाई साहब, क्या जंगल है वो, देखो फुल मून दिख रहा है यहाँ से। सेक्सी वेदर, और जब जब मुझे वेदर अच्छा लगता है ना, तब तब ये चार्ल्स का बच्चा आ जाता है हमारे पास। ये रही आंटी, यहाँ पे कोई स्क्रैप मिल जाए हमें। स्क्रैप, स्क्रैप नहीं है स्क्रैप, चलो आंटी से मिलते हैं। हेलो आंटी, यूजीन टोल्ड अस वी हैव अ न्यूकमर सून, आई सपोज दैट वुड बी यू। देयर इज सम स्क्रैप मेटल इन द बालकनी रूम ऑफ माय हाउस दैट यू कुड यूज टू रिपेयर एंड अपग्रेड योर ट्रेन। ओके, तो ये आंटी तो भगवान की भेजी हुई फरिश्ते निकली, इन्होंने खुद ने बोल दिया कि मेटल स्क्रैप है बालकनी में ले जाओ। ओके, और ये दूसरे आंटी जैसी नहीं है, इन्होंने चाबी भी दे दिया हमें। मार्क इट ऑन योर मैप एनीवे, मार्क इट ऑन योर मैप एनीवे, थैंक यू आंटी। As a side note, talk to anyone around here and they'll do whatever they can to help. Okay, तो ये आंटी ने बोला कि तुम किसी से भी यहाँ पे बात कर सकते हो, सब तुम्हारे हेल्प करने को रेडी हैं। Anyone not wearing a mask. Okay, तो इसमें भी एक ट्विस्ट है, जो मास्क पहने हुए हैं उनसे दूर रहना है। Thank you, आंटी. Check out the balcony and take whatever you can use. Balcony. Okay. Good luck with everything. Thank you so much, आंटी. यहाँ पे जितने लोग हैं ना, सारे बहुत वेल बिहेव्ड है, बहुत अच्छे से बात करते हैं। हम भी तो अपने जान को खतरे में डाल के इन्हें बचाने के लिए आए हैं, हमसे क्यों ही रूड बिहेव करेंगे, ये भी तो बात है ना। हम कौन से चार्ल्स के साथ है, हम तो खुद, हमारा चार्ल्स से कोई लेना देना नहीं है, बट स्टिल हमें लोगों के लिए बचाने के लिए आए हैं, तो अच्छा बिहेव तो करेंगे ही। बट फिर भी यार, कोई अच्छा बिहेव करता है ना तो बहुत अच्छा लगता है ना। ओके, ये रही, और ये खुल गई।
एक दो, यहाँ भी हमें 9 स्क्रैप्स मिलेंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कंप्लीटेड. वी हैव बीन वेटिंग एज पेशेंटली एज वी कैन बट द पास्ट फ्यू डेज हैव बीन केओटिक टू सी द लीस्ट. चार्ल्स हैज बीन मोर एग्रेसिवली लेटली aggressive lately to the point where I am starting to fear how many of us will left by the time help arrives. Godspeed Eugene, we are counting on you. Okay, तो यहाँ सब ने होप छोड़ दिया है. आंटी की लास्ट होप तो यूजीन है, बट इन्हें नहीं पता कि यूजीन अब नहीं रहे. चार्ल्स ने उन्हें भी मार दिया है, तो अब हम बोल सकते हैं सबकी लास्ट होप हम ही है और कोई है नहीं. और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इनकी हेल्प कर सके और अंकल के बेटे को भी छुड़ा सके वहाँ से, क्योंकि अंकल ने भी यही कहा था. थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच हमें स्क्रैप्स देने के लिए. अगर हम चार्ल्स को मार पाए तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर. लेट्स गो. हमें अब जाना है, एक मिशन हो चुका है हमारे पास, 13 स्क्रैप्स आ चुके हैं, है ना. अब हमें जाना है नेक्स्ट मैप पे, देखते हैं. यहाँ पे अनमेट मिशन है, ये भी अनमेट है, तो यहाँ बाद में जाएंगे, पहले हम ये कंप्लीट करते हैं. यहाँ हम बस, चलो लेट्स गो. एक मिनट, यहाँ भी कोई ये वही आंटी है क्या? हाँ, ये वही आंटी है, वही आंटी है. लेट्स गो, लेट्स गो. 213 meters, कुछ भी बोलो, ये जगह है बहुत सुंदर. अगर यहाँ चार्ल्स नहीं होता ना, तो इसे अगर टूरिस्ट प्लेस बना देते, ट्रैकिंग प्लेस बना देते, तो बहुत सुंदर जगह थी. बट अनफॉर्चुनेटली चार्ल्स के वजह से ये जगह बर्बाद हो रही है. कोई नहीं, हम इसे ठीक कर. और ये वही जगह है जहाँ से हमने स्क्रैप्स लिए थे, तो हम तो यहाँ पर उतर गए. पहले हम स्क्रैप्स ढूँढेंगे, यहाँ से तो हमने उठा लिया था, इस वाले से भी हमने उठा लिया था, तो यहाँ स्क्रैप्स मिलने नहीं वाला. आई गेस इस पे स्क्रैप्स हो सकते हैं. नहीं, नहीं है. इससे तो हमने उठाया भी नहीं था, फिर भी नहीं है. ये क्या है? ये कोई तिजोरी रखी हुई है यहाँ पे. ये कोई ट्रेजर आइलैंड है क्या? जहाँ देखो, नहीं नहीं वहाँ पे तो उस तिजोरी में पिकल था. सोचे तो तिजोरी के अंदर अचार. ये हाउ सरकास्टिक इज दिस? सोचो, तिजोरी के अंदर अचार, लाइक सीरियसली. वो रही हमारी ट्रेन, और आसपास हमें कुछ स्क्रैप्स दिख नहीं रहे. चलो अंदर चलते हैं. स्क्रैप्स, हाँ यहाँ एक स्क्रैप है. तो यहाँ एक कटप्पा अंकल बैठे हुए हैं. हेलो कटप्पा अंकल. I know you're supposed to be some fancy pants monster hunter. Yes. You can't earn my respect without making yourself useful. ये अंकल तो आते ही डांटने लगे. ये अपने मोहल्ला वाले शर्मा अंकल निकले, जो बिना बात के सुना दे. ठीक है, आगे बोलो. One of Warren's goons dumped a locked chest in the yard okay. last night. After beating on it for a few hours, I didn't break anything but a sweat. Okay. I got some lock picks, but I don't know how to use them. Okay. Here, take them. If you can get that chest open, you'll earn my respect. I might just give you some scraps to help improve your train. तो ये अंकल ने कुछ बताया कि वॉरेन जो चार्ल्स का ओनर है, उसके आदमी ने कुछ ट्रेजर, जो ट्रेजर हमें मिला था ना, वो यहाँ पे डाल दिए हैं. और इन्होंने कल से बहुत कुछ, जैसे आपको यहाँ पे हथौड़ा भी दिख रहा है, तो इन्होंने बहुत खून पसीना एक कर दिया, बट ये खोल नहीं पाए. तो इनके पास कोई लॉक स्प्रिंग्स थे जो इन्होंने मुझे दिया है, इन्हें वो यूज़ करना नहीं आता. तो मुझे कहा अगर तुम वो से खोल के उसके अंदर वाली चीज़ मुझे ला के दोगे, तो मैं तुम्हें बदले में कुछ स्क्रैप से दूंगा. तो और हमें क्या चाहिए गाइस? स्क्रैप्स इज एवरीथिंग फॉर मी राइट नाउ, क्योंकि चार्ल्स से भिड़ने का वही एक तरीका है. ये रहा वो तिजोरी. एक दो, ओ, ओ, ओ कोई बात नहीं. एक दो तीन चार पाँच, ओ एक दो तीन चार, अरे एक दो तीन
इस बार हम बहुत अच्छे से करेंगे, पिछले बार बहुत गलतियाँ हुई थी, इस बार हम बिल्कुल टाइम लेके बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे ताकि गलती ना हो। और ये डन। ओके अंकल, ये देखो ये कोई स्पाइडर सा मैप है, ये क्या है यार? अरे मैप नहीं, इन्वेंट्री खोलना था, सॉरी। ये कोई मैप है, एंशियंट टैबलेट, अ वेरी ओल्ड स्टोन टैबलेट दैट फीचर सम स्ट्रेंज ड्राइंग्स। तो यही अंकल को हमें ले जाके देना है, उससे क्या फ़ायदा उन्हें होगा उन्हें वो उन्हें पता है, बट हमें कुछ स्क्रैप्स मिल जाएंगे। ऑल्दो इतना मुश्किल नहीं था जितना अंकल ने बताया था, सो लेट्स गो। शर्मा अंकल खुश हो गए। That's an odd-looking piece of junk you found inside there. A letdown, to be frank. Okay. You earned my respect. Uncle. Here's some scraps, like I promised. Okay, तो अंकल ने हमें scraps दे दिए हैं। कितने scraps दिए हैं? Okay. तो इन्होंने हमें अच्छे खासे scraps दे दिए हैं दोस्तों। अच्छे खासे scraps. Thank you, uncle. आप starting में थोड़े से rude थे, but आप अच्छे इंसान निकले। हमारा train है वहाँ पे। तो हम चलते हैं अपने ट्रेन के पास और अब देखते हैं हमारे पास कितने स्क्रैप्स है। तो हम अपने डैमेज लेवल से पहले ना आर्मरी लेवल बढ़ाते हैं। 29 ट्रेन का हेल्थ ज़्यादा है, डैमेज लेवल अभी बढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं है, हम अपना आर्मरी लेवल फुल कर लेते हैं। बस 6 स्क्रैप्स हमारे पास बचे हैं। आगे चलते हैं, अब हमें कहाँ जाना है मैप्स पे, हमें ये करना है, रिक्वायर्ड मिशन है ये, रिक्वायर्ड मिशन कंप्लीट करते हैं आगे। अच्छा यहीं तो जाना था, रुक वो देखो वहाँ कोई बैठा हुआ है। स्क्रैप स्क्रैप्स, ये जहाँ भी कोई बैठा हुआ होता है ना उसके आमने सामने स्क्रैप्स होते हैं, तो हम पहले ना एक बार वो देख लेते हैं। ये देखो ये रहे स्क्रैप्स, हमारे पास 6 ही बचे हैं, तो हम स्क्रैप्स जितने मिलेंगे ना वो उठा लेते हैं। एक और स्क्रैप है यहाँ पे, और कोई स्क्रैप? हेलो आंटी, एक मिनट, अंकल है या आंटी है? देखने दो आंटी ठीक से। ओके आंटी, हंटर हैज अराइव्ड आई सी। दिस इज नो ऑर्डिनरी हंट माइंड यू, वी हैव ऑलरेडी ट्राइड फाइटिंग चार्ल्स बट ही रिट्रीट्स इनटू द विल्डरनेस इफ ही इज सफिशिएंटली हार्ड। वी बिलीव देयर मे बी अ वे टू गेट चार्ल्स टू कमिट टू अ मॉर्टल बैटल। हाउएवर डिस्पर्स्ड अराउंड द आइलैंड आर 3 एग्स locked in the island's 3 primary mines. Our theory is that putting these eggs in the temple at the center of the island will provoke Charles into a fight to the death. Unfortunately, the mining company owner, Warren Charles III, has placed armed guards inside each mine. There's an egg in the mine just down the rail. Here's the key to the mine. I've marked the entrance on your map. तो यहाँ आंटी ने हमें बताया कि बहुत सारे लोगों ने पहले भी ट्राई किया है चार्ल्स को मारने के लिए, बट वो हर बार और शक्तिशाली होके बाहर पास आया है, है ना? बट और आंटी ने हमें बताया कोई वॉरेन चार्ल्स थ्री ने 3 एग अलग अलग जगह पे रख दिए हैं, और उसमें से एक एग का चाबी आंटी ने हमें दिया है उस माइन का, और मैप पे मार्क भी कर दिया है। ओके तो ये देखो, ये है वो मैप मार्क, साउथ माइन स्पेलंकिंग है जो भी हो। तो ये रहा, यहाँ पे हमें वो पहला एग मिलेगा, और यहाँ पे हमारे पास एक है वेपन मिशन। पहले यहाँ चले, वेपन मिशन कहते हैं क्योंकि ऐसे भी हमारे पास जो वेपन है ना वो कोई काम का नहीं है। तो हम चलते हैं अपने ट्रेन के पास, आंटी को थैंक यू बोलते हैं और यहाँ से निकलते हैं। थैंक यू आंटी। तो हम चलते हैं यहाँ से और जाके वो वेपन मिशन कंप्लीट करते हैं, और फिर सीधे निकलते हैं अपने एक्स को लेने के लिए ताकि हम मॉर्टल बैटल कर सके उसके साथ। एक मिनट, मैंने मार्क किया था, वो मार्क नहीं दिख रहा मुझे कहीं पे। ए तो रुक, मैप खोला हमने। अच्छा हम आगे जा रहे हैं मैप से, सॉरी गाइस। हाँ ये यहाँ का वेदर इतना ज़्यादा हॉरेबल और मतलब डिस्टर्बिंग है ना कि वो थोड़ा सा डरा देता है। ओह नो, हाँ भाई तू चलते रहे, तू चलते रहे, मैं अपना वेपन मिशन खुद देख लेता हूँ। ये रास अच्छा हुआ ट्रेन से उतर गया, स्क्रैप्स मिल गया यार।
ओके, तो यही आई गेस हमारा मिशन है। यहाँ कोई अंकल खड़े हैं और यहाँ आग क्यों लगा हुआ है? हेलो अंकल, आग क्यों लगाई है? ठंड लग रही है क्या? I made a little flamethrower as an addition to my spider train home defense plan. But as you can see, that is slightly ये अंकल ने flamethrower बनाया था अपने घर को प्रोटेक्ट करने के लिए और इन्होंने अपना घर ही जला डाला। Nearly cooked myself alive in that shed as I was testing it. Shoot dang. I would love to save the shed though. If a flamethrower somehow still works after the fire dies down, well, you can take it. I'd assume you're the monster hunter. तो यहाँ अंकल ने बोला है कि हमने एक फ्लेम थ्रोवर बनाया था जिससे अपने अपने घर को जला दिया, तो अभी भी अगर तुम ये शेड को बुझा दो और अगर फ्लेम थ्रोवर काम कर रहा हो तो तुम उसे ले सकते हो। तो भाई यही था, यही फ्लेम थ्रोवर आई गेस हमारा नया वेपन है और हमें इस घर को बुझाना है। इससे बुझेगा क्या? हाँ हाँ हाँ, ये देखो ये देखो। अरे अंकल इतना इजी तो था, आप अपना घर को खुद ही बचा सकते थे, तो फ्लेम थ्रोवर भी रख लेते, बट कोई नहीं, अच्छा है हमें वेपन दे, तो बहुत ज़रूरत है हमें वेपन की। और अब मैं इसी की छत से कूद के जाऊंगा नीचे। ये डूश, हेलो अंकल। यूजिंग द वाटर टैंक टू पुट आउट द फायर। नो नो, आई एम नो जीनियस, यू आर डम। हियर टेक ओल्ड बग स्प्रे, cause this chaos. Equip it on your pain. Okay. I don't want to see it anywhere near here again. Uncle itna dar gaya na us flame thrower se ki wo bol raha hai main use dekhna bhi nahi chahta. Koi baat nahi uncle, aap mat dekho, hum apne train ko usse bachayenge, hum chaal se ladenge us flame thrower se. To okay, I guess ye raha wo flame thrower. Oh boy, इससे तो हम चार्ल्स को जला के मारेंगे, बट ये भी गर्म हो जाता है यार, बट कोई नहीं, जब तक ये ठंडा होगा तब तक वो भी तो जलता रहेगा, है ना? ये भी तो समझो, क्रोनोलॉजी समझ रहे हो। अब हमें और वेपन्स नहीं है, अभी सीधे हमें यहाँ जाना है मिशन पे, हमें अपने एग्स लेने जाना है, अपने नहीं मतलब चार्ल्स के, अपने एग्स नहीं सॉरी, कारा स्क्रैप्स है, बीच में अगर स्क्रैप्स मिलेंगे तो हम वो भी लेते रहेंगे और हम चल पड़े अपने ट्रेन को लेके फिर से माइंस की ओर। तो आज हमारे ही सामने यूजीन अंकल को चार्ल्स ने मार डाला और हमने उसे मारने के लिए एक गन लिया और अपने ट्रेन को अपग्रेड करने के लिए मिशंस किए। आपने आज देखा कि हमें एक माइंस का रास्ता मिला है जहाँ पे हमें अंडे मिलेंगे, तो कल हम स्टार्ट करेंगे अंडे चुनना। अंडे चुनना मतलब अंडे कलेक्ट करना जिससे हम चार्ल्स को बुलाएंगे। तो बने रहे, कल एग्जैक्ट 2 बजे हमारी नई वीडियो आ जाएगी, एपिसोड नंबर 2। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय।